तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने मोबाइल के फाउंड को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं? यदि हाँ तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल के फाउंड को छोटा या बड़ा कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल को कुछ अलग तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोबाइल के फाउंड को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग को ओपन करना है। जैसे आप अपनी सेटिंग को ओपन करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको डार्क मोड का ऑप्शन शो हो रहा है, आपको सिंपली इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इसको जैसे ऑन कर देंगे तो आपका मोबाइल डार्क मोड में चला जाएगा। इससे आपके मोबाइल की बैटरी कम कंज्यूम होगी और आपकी बैटरी बचत होगी। तो चलिए इसको ऑन करने के बाद आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फॉन्ट साइज का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं, स्मॉल, डिफॉल्ट, मीडियम, लार्ज, वेरी लार्ज। आप यहाँ पर जो भी चाहे वो यहाँ पर फॉन्ट आप बहुत ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमने वेरी लार्ज कर दिया, कितना बड़ा हो गया। स्मॉल पर देखिए कितना छोटा हो गया। अब इसको हम यानी जैसे चाहे वैसे सेट कर सकते हैं। देखिए लार्ज में हमने सेट किया तो यहाँ पर देखिए हमारा फाउंड कितना बड़ा बड़ा यहाँ पर सभी शो हो रहा है। यदि से हमें फिर मीडियम करना चाहते हैं या फिर डिफॉल्ट करना चाहते हैं तो सिंपली हमें फिर वही सेटिंग पर जाना होगा। फाउंड साइज पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ फिर मीडियम पर क्लिक कर दिए। अब मीडियम में हमारा सब कुछ फाउंड इस तरीके से यहाँ पर शो होगा। तो चलिए यहाँ पर मीडियम पर क्लिक कर देते हैं, फिर देखते हैं। ये देखिए हमारा यहाँ पर मीडियम हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से भी आप अपने मोबाइल के फाउंड के साइज को आकार को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको करना है हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।